हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग रंजना। आज हम लोग बनाएंगे हलवा स्टाइल राबड़ी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हलवा स्टाइल राबड़ी। इसके लिए यहाँ मैंने 1 किलो दूध लिया है। आप कोई सा भी दूध यूज कर सकते हैं। अब गैस पर चढ़ा दें। इनको अब बस कंटिन्यू चलाते रहना है और जो किनारे किनारे जो मलाई लग जा रही है उनको हमको निकाल निकाल के इसी दूध में मिलाते जाना है, जिससे कि दूध और गाढ़ा होता चले जाएगा। दूध जब तक थोड़ा आधा ना हो जाए तब तक इनको कंटिन्यू चलाते रहना है। आप यहाँ देख सकते हैं दूध आधा हो चुका है। यहाँ मैं आधा कप कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। आप यहाँ पर 10 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। यहाँ 2 छोटी इलायची को डाल दिया है क्रश करके। आप यहाँ पर इसका पाउडर भी डाल सकते हैं। केसर सबके पास अवेलेबल नहीं होता है तो यहाँ मैं केसर का फूड कलर डाल रही हूँ। ये ऑप्शन में आप चाहे डाल भी सकते हैं चाहे नहीं भी। मैं सिर्फ कलर के लिए इसमें केसर का फूड कलर डाल रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हैं दूध का कलर कैसा हो गया है। और इनको ऐसे ही कंटिन्यू आप चलाते जाएंगे तो ये और गाढ़ा होता चला जाएगा। आपने देखा होगा कि हलवाई की दुकान में लोहे की कढ़ाई में इसी तरह से बनाया जाता है। बस इसी तरह से इनको कंटिन्यू चलाते रहना है। अभी ड्राई फ्रूट आपके ऑप्शन में है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं चाहे नहीं भी। यहाँ मैंने काजू बादाम और पिस्ता को बारीक बारीक टुकड़ों में काट के इनको मिक्स कर दिया है। रेसिपी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो एकदम फ्री है। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगे। बस अब इनको कंटिन्यू चलाते रहे। आप चाहे तो स्टेज पे इनको कुल्फी भी बना सकते हैं। आप देख सकते दूध गाढ़ा हो चुका है। अब कैसे पता करना है कि कुल्फी जमाने लायक है या नहीं आपको मैं दिखाती हूँ। बच्चों को अभी ठंडा ना खिलाए मैं यही बात बोलूँगी। आप अभी कुल्फी या ठंडा कुछ मत दें। देखिए पलटे पर इस तरह से निशान आ रहा है, इसका मतलब हम इस स्टेज पर इसको कुल्फी बना सकते हैं, इसको जमा सकते हैं हम। लेकिन मैं यही बोलूँगी कुल्फी ना जमा, इनको और थोड़ा सा गाढ़ा कर ले और बच्चों को इनको ऐसे ही दे खाने को। हमारी राबड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए ठंडा होने के बाद बिल्कुल हलवाई स्टाइल बिल्कुल राबड़ी लग रही है। चलिए अब इनको सर्व करते हैं। कर रहा है ना मना आपका भी खाने का। तो चलिए आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और इस हेल्दी रेसिपी को इंजॉय कीजिए। ये थोड़ी सजावट के लिए मैंने ड्राई फ्रूट डाल दी है, ये ऑप्शन में है आपके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।